तो दोस्तों हाल फिलहाल का ही बात है कि रस्ते को चलते हुए टेस्टिंग के दौरान ESD कंपनी का ही एक और न्यू बाइक को जो है ना तो वो देखने को मिला है। वैसे देख ही सकते होंगे ये जो बाइक है तो ये एक एडवेंचर टूरिंग वाला बाइक है। बाकी है इस वाले बाइक का नाम जो है ना तो वो आज से बहुत दिनों पहले ESD एडवेंचर करके ही आया था, लेकिन अभी के डेट में बात कुछ ऐसा है कि ये जो एडवेंचर वाला जो बाइक है ना तो इसके अंदर एक न्यू इंजन जो है 350cc वाला तो वो देखने को मिलेगा। तो मैं हूं अंकन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार ब्लॉग्स, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों हाल फिलहाल का ही बात है कि ये जो ESD कंपनी है ना तो इनके तरफ से एक इनका और न्यू बाइक जो है तो वो आने वाला है। वैसे ये जो बाइक है देख ही सकते होंगे एडवेंचर टूरिंग वाला बाइक है और इसका जो नाम है ना तो वो पहले ESD एडवेंचर करके ही आया था। बाकी बात अभी के में ऐसा ही है कि ये जो बाइक है ना तो ये अभी के में एक न्यू बाइक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई इस वाले बाइक के अंदर ना एक न्यू इंजन जो है तो वो देखने को मिलेगा, मतलब कि अपकमिंग ESD का ही जो एडवेंचर टूरिंग वाला बाइक है ना तो उसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है एक न्यू 350cc वाला सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन, जो कि भाई मैक्सिमम पावर जो है ना तो वो अभी रेट में एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि 30 से लेके 32 BHP के अंदर जो है तो वो कुछ प्रोड्यूस करने वाला है। और इसके ही साथ साथ जो मैक्सिमम टॉर्क भी है ना तो वो भी 28 से लेके 32 Nm के अंदर का ही होगा। बाकी अभी रेट में एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि 6 feet का जो गियर बॉक्स है ना तो वो भी कुछ इस वाले इंजन के साथ में या फिर न्यू इंजन के साथ में देखने को मिलेगा। अब हालांकि भाई देख ही सकते होंगे आपके सामने है न्यू जो एडवेंचर 350 वाला जो मॉडल है ना ESD का, तो इसके अंदर आपको देखने को मिला है और उसके ही साथ साथ डिस्क ब्रेक भी। बोलना चाहूंगा कि ये जो डिस्क ब्रेक है ना तो इसके साथ में आपको डुअल चैनल ABS वाला जो फंक्शन है तो वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि देखने को मिलेगा। बाकी ये भी कुछ बात है कि जो ESD का न्यू एडवेंचर टूरिंग वाला जो बाइक अभी आएगा या फिर ESD का जो न्यू एडवेंचर वाला बाइक आएगा ना तो उसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है जो भाई लाइट्स का सेटअप तो वो भी LED के अंदर देखने को मिलेगा। और हाल फिलहाल का ही बात है कि अभी के में ये भी कुछ बोला जा रहा है कि भाई ये जो ESD कंपनी के बाइक्स के अंदर जो आपको कुछ फीचर्स देखने को मिलेगा तो उसके अंदर पहले वक्त तो जो ABS मोड्स है ना तो वो भी कुछ देखने को मिलने वाला है और इसके ही ससत हैजर्ड लाइट वाला फीचर भी। बाकी असिस्टेंट स्लीपर क्लच वाला जो ऑप्शन है तो वो भी और इसके ही ससत ये भी कुछ बात है कि जो ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल वाला जो कुछ फीचर्स है ना तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि देखने को मिलने वाला है ESD कंपनी का ही न्यू एडवेंचर टूरिंग वाले बाइक में। बाकी एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि जो ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी है तो ये भी कुछ देखने को मिलने वाला है। और हाँ लगी भाई ये भी कुछ बात है कि ये जो ESD कंपनी का न्यू जो एडवेंचर टूरिंग वाला बाइक है जिसको आप लोग अभी देख रहे होंगे तो इसके सामने आप लोग देख ही सकते होंगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। बाकी बात कुछ ऐसा है भाई कि देखो ये जो बाइक है ना तो ये भी अंडर 2 lakhs के ही अंदर एक शोरूम प्राइस में जो है तो वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि देखने को मिलने वाला है इसी इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करते हुए। और इसी 2024 साल के ही अंदर इस वाले मॉडल का जो लॉन्च होने का जो चांसेस है ना तो वो भाई 80% तक है। और है इस वाले बाइक के अंदर आपको जो मीटर कंसोल भी है ना तो वो भी पूरे तरीके से डिजिटल वाला एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि देखने को मिलने वाला है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।